अगर सुबह आपका थोपड़ा 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 या थोपड़ा थोपड़ा अगर सुबह आपका थोपड़ा ऐसा दिखे और शाम को ऐसा, तो उसे होली कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हंगरी एंड यू आर वाचिंग हंगरी बीबी। टुडे इज सैटरडे एंड थर्सडे को होली थी, तो ये व्लॉग भी उसी दिन शुरू हुआ था। सो लेट्स रीवाइंड अ लिटिल बिट। ओ हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी होली। आज के दिन की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कहीं जाना है तो आपको नहाना नहीं है। आई हेट नहाना। तैयारी भी जरूरी है भाई, फुल सिस्टम। पानी तो हो गया, लेकिन होली की शॉपिंग वो हमने एक दिन पहले ही कर ली। सुबह लो ना। हाँ नहीं बस इन पे लिखा है कि हर्बल है, पर ये हर्बल नहीं होगी। हाँ आई नो। जब मेरे को कोई हर्बल नहीं लगाएगा तो मैं उसके लिए हर्बल क्यों लूं? होली का सामान आ गया, पानी का इंतजाम हो गया, तो अब होली इसके बाद हम हुए रेडी और निकले अपने घर से बाहर। तो यार एज यूजुअल मैं तो रेडी हो चुका हूँ। लोग करते क्या है कि स्पेशली कुर्ता पजामा और सलवार सूट वाइट कलर के सिलवाते हैं। मैं तो वही कपड़े पहन लेता हूँ जो मुझे कल से नहीं पहनने। सिंपल। चाबी मैं सबको हैप्पी होली कर दो, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो। हाय हैप्पी होली। चलो चलो चलो। तो सुबह हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? मम्मी की कार। मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ पे हम होली खेलेंगे। चुके हैं और अब होगा घमासान युद्ध। ओह शिट, पिचकारी टूट गई हमारी इकलौती। लाए तो हम दो पिचकारियां थे, बट हुआ ये कि जब हम कल वापस आ रहे थे तो एक किसी मजदूर का बच्चा खेल रहा था, उसने मेरे हाथ में दो पिचकारियां देखी, उसकी आंखें इतनी ज्यादा चमक गई और वो खुशी से हमारे पास दौड़ा चला आया एज इफ कि हम उसके लिए लाए हैं, बट ऐसा नहीं था। तो थोड़ा सा आगे चलकर सुगंधा और मुझे लगा कि यार हमें एक पिचकारी उसको दे देनी चाहिए, एंड हमने दे दी। और उसके बाद वो बंदा इतना खुश हो गया, इट मेड आवर डे एंड हमारी होली वहीं सफल हो गई। तो क्या कर रही हो? फ्राइड पकौड़ा को दोबारा फ्राई कर रही हो। होली खेलने से पहले वी हैड लजीज ब्रेकफास्ट, क्योंकि युद्ध पे जाने से पहले पेट तो भरना जरूरी है ना भाई, है ना? जरूरी तो है। भाजी नहीं आई ना? अब हम खाएंगे खाना। मैं ज़्यादातर ऐसे भीड़ वाले इलाकों से थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे होली खुद खेलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लोग थोड़ा सा ना मतलब अजीब से हो जाते हैं, तो अब जो भी होली खेलेंगे वो यहीं खेल लेंगे। सही है और क्या। मान भी तो है। खत्म करने चली थी और खुद ही खत्म हो गए। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली। तो हैप्पी होली। अब शांतु की बारी, चलो अब पकड़ कैमरा। मैं पकड़ रहा हूं। हैप्पी होली। हैप्पी होली पापा। पापा गेटिंग कैमरा। नहीं नहीं हैप्पी होली। आप बिल्कुल एक तिलक। हां हां। ओए राम फिर ये लगा दिया। मैंने कहा तिलक। ये देखो एक इसको मार दूं पकड़ के। मैं पूछा लगा Now let me show you कि हमने कितना कम गंद मचाया है। ये भी देखो। मैं गंद हूँ। अब जो हमने यहाँ गंद मचाया है, अब हम उसको साफ करेंगे। मतलब मैं नहीं करूँगा, सुगंधा करेगी।
तो भैया होली तो देखो खत्म हो गई है, लेकिन अब मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है, बट यहाँ नहीं, घर पे। तो यार होली खत्म होने के बाद जब मैं घर वापस आ रहा था तो आई नोटिस्ड कि बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को कलर लगा हुआ था। प्लीज यार ऐसा मत करो, जो भी ऐसा कर रहा है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली प्लीज ऐसा ना करें। उस कलर से हमें खुद को एलर्जी हो सकती है, तो वो तो फिर भी जानवर है, उनको भी एलर्जी हो सकती है, वो उस कलर को खा सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। इनफैक्ट आपको खुद हर्बल कलर्स या फिर नेचुरल कलर्स ही यूज करने चाहिए, जैसे कि चुकंदर और हल्दी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन कलर चाहिए तो आप पालक वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें यूज करें एंड खेलें अपनी होली। एंड थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि मैं पानी भी कम यूज करूं, ड्राई होली खेलूं, बिकॉज लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता है। आई होप आप इस चीज से कुछ सीखें। आप ये मत समझिए कि मैं आपको ज्ञान पेल रहा हूं फालतू का, और एक दिन में अगर आप पानी बचा लेंगे तो कुछ ऐसा नहीं होता। दुनिया में कितने सारे लोग होली खेलते हैं, अगर वो एक एक दो दो लीटर भी पानी बचाएं तो आप खुद का दिमाग लगाइए कि कितना सारा पानी बच सकता है। अब कई लोगों को ये बात समझ आएगी, कई लोगों को ऑफेंसिव लगेगी, तो जिन लोगों को ऑफेंसिव लगेगी उनसे मेरा कुछ लेना देना है नहीं। जिन लोगों को समझ आती है तो बढ़िया, बाकी आपकी इच्छा है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, बाकी तो सब बढ़िया ही है। हमने एक सेकेंड हैंड कार ली है रिड्ज, तो अब मुझे उसे लेने जाना है, बिकॉज नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं तो वहां जरूरत पड़ेगी हमें एक एक्स्ट्रा कार की। बाय द वे इफ यू आर वंडरिंग कि मैं यहाँ पे बैठ के ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे बाकी सारे रूम्स में पैकिंग चल रही है एंड हमने इस रूम को ऐसे पूरा ऐसे भर दिया है, आप अगर देख सकें तो। तो अब बहुत सारा काम है एंड पैकिंग करनी है, शिफ्ट होना है। 30 मार्च को मैं शिफ्ट हो रहा हूँ नोएडा, तो अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं। Bye. होली खत्म, लेकिन रंग अभी बाकी है।